आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए चिकनकारी कुर्ता हॉल, जो कि आप अगर मेरे को मेरी आपने वीडियोस वगैरह देखे तो आपको पता है कि मुझे चिकनकारी जो हैंडलूम वाला बेसिकली जो फैब्रिक होते हैं या कुछ भी हो वर्क वाला जो कपड़े होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसी में से आज मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी जिसको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही थी, उसके अलावा मैंने काफ़ी सारे इनके यहाँ से चिकनकारी सूट कुर्ते सेट जो भी मुझे पसंद है बेसिकली मैंने वो सब इनके यहाँ से मंगा रखे हैं। और आज मैं आपके साथ इसलिए शेयर करूँगी, एक इंस्टाग्राम स्टोर है जिसका नाम है रिवाया और इनके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे चिकनकारी कुर्ते मिल जाते हैं। ठीक है, ये सारे मैंने परचेज़ किए हैं, सिर्फ इनमें से एक उन्होंने मुझे गुलाब के लिए भेजा था, उसके अलावा सारे मेरे इनसे परचेज्ड हैं। ठीक है, तो ये कोई भी कोलैबोरेशन वाली वीडियो नहीं है, ऑनेस्ट मेरा रिव्यू है इनके लिए, क्योंकि इनके यहाँ पे जो चिकनकारी कुर्ते मिलते हैं एक तो वो अफोर्डेबल है, ठीक है, क्योंकि ये इतना अच्छा हैंडवर्क वगैरह करके आपको भेजते हैं और लखनऊ से ही है ये सीधे। तो और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि शिपिंग वगैरह जो भी ये लोग करते हैं, जैसे आज मैंने ऑर्डर किया तो एक या दो दिन में ये लोग वर्किंग डेज में आपको सेंड कर देंगे, तो आपको वो 3 से 4 दिन में आपको मिल जाता है। ठीक है, लखनऊ के जो आसपास वाले उनको जल्दी मिल जाएगा, थोड़ा मुंबई या कहीं और है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 दिन में वही लेकिन बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। तो ये वाला पहला चिकनकारी कुर्ता सेट है जो कि ये मल कॉटन फैब्रिक पे बना हुआ है। इसकी स्पेशलिटी क्या है आपको बता देती हूँ, ये आप देख सकते हो, ये तो इसका प्लाजो, सबसे पहले प्लाजो दिखाई दे रही हूँ। प्लाजो ये नॉर्मली लास्केटेड होता है आगे पीछे दोनों जगह से, तो आप जैसे 40 साइज मंगाओगे तो ये उस हिसाब से आएगा। और ठीक है, तो ये है और ये फुल इलास्टिकेटेड है, यहाँ पे इसमें नीचे की साइड पे दोनों ही प्लाजो, ये प्लाजो वाला है क्योंकि, तो इस पर इतना अच्छा वर्क हो रहा है, आप देखो इसका फाइन वर्क, आपको वर्क की क्वालिटी समझ में आएगी। और ये कोई मशीन वर्क नहीं है, साफ़ सुथरा हैंड वर्क है, देखिए आप इसके बैक साइड पर। तो ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर बूटी दे रखे हैं यहाँ पर आगे पीछे दोनों साइड पर पैरों के। ठीक है, तो ये तो इसका प्लाजो है, उसके बाद इसका ये कुर्ता है क्योंकि ये सेट है बेसिकली, तो ये कुर्ता है, इसमें प्लेन बिल्कुल सिंपल सा नेक बना हुआ है, यहाँ पे कट लगा के इन्होंने यहाँ पे चिकनकारी कुर्ता है ये, और इसमें यहाँ पे पूरा अच्छे से वर्क हो रखा है मोटा मोटा सा। ठीक है, फिर फ्रंट पे वही बूटियाँ बनी हुई है जो प्लाजो में बनी हुई है, उसके चाक और दामन पे आगे और पीछे दोनों ही साइड बहुत अच्छा सा फिनिशिंग से वर्क दे रखा है ये है। ठीक है, और यहाँ पर ये है, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ये है और ये मल कॉटन है। ठीक है, ये इतना सॉफ्ट है, आप देख सकते हो इतना हैवी वर्क हो रहा है और ये इतना सॉफ्ट है, आप इसको ऐसे करके पकड़ लो। ठीक है, और बैक साइड पे इसके यहाँ पे पीछे वाले एरिया पे यहाँ वर्क हो रहा है और यहाँ पे बूटा बना हुआ है जो इसमें पूरे पे बना हुआ है, स्लीव्स पे यहाँ पे सिंगल बूटा बना हुआ है उसके, अरे वो देख लिया, हाँ तो यहाँ पे सिंगल बूटा बना हुआ है, उसके अलावा यहाँ पे ये वर्क हो रखा है। ठीक है, तो इसकी जो पिक्चर है, मैंने एक्चुअली मैं इसका फोटोशूट किया था तो उसकी पिक्चर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी, तो आप जाके चेक कर सकते हो कि ये कैसा लग रहा था वहाँ पे, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी, जैसे अभी ह्यूमिडिटी वाला वेदर हो रहा है, आप इसमें ये वाली जो चीज़ें हैं इसको पहन सकते हो। इसके अलावा एक्चुअली यहाँ इनके यहाँ से बहुत सारी वेराइटी के चिकनकारी कुर्ते मंगाए हुए हैं, एक ये वाला है, ये मसलिन में है, मसलिन फैब्रिक है, तो ये भी सारे सॉफ्ट फैब्रिक हैं और इनका जो पैटर्न रहता है ना यहाँ पे, आई थिंक इसका फोटो शूटिंग करवाया तो मैं इसका आपको ट्रायल एंड हॉल डाल दूँगी यहाँ पे, तो आप जाके चेक कर सकते हो। ये नेवी ब्लू कलर का है, वो पर्पल कलर का था, वो मल कॉटन में था, ये मसलिन में है। ठीक है, तो इसमें कुछ ये इस टाइप का वर्क हो रहा है और यहाँ पे ये है। ठीक है, इसमें वही बूटा आपको यहाँ पे पूरे में मिल जाएगा, ये काफ़ी अच्छे से वर्क, ये सब हैंडमेड वाला ही है और ये वो ये सीधे लखनऊ से ही भेजते हैं, सबसे अच्छी बात इनकी ये है। और इनका जो नेक पैटर्न है वो ये ऐसे नेक है और यहाँ पे कट लगा हुआ है, और ये जो फ्रंट है इसका ये देख रहे हैं कितना हैवी बना हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आपको बूटियाँ मिल जाएंगी नीचे तक। ठीक है, ये इसमें स्पेसिफिक पैनल पे नीचे अलग टाइप की बूटियाँ रखी हैं, देखिए आपको दिखा दूँगा। ठीक है, ये अलग टाइप की है, पैनल बना हुआ है और यहाँ पर ये अलग बूटियाँ हैं और वही चाक पे आगे की साइड पे इस पर वर्क हो रहा है। ठीक है, ये और आप सोचेंगे कि ये चिकनकारी कुर्ता कैसे पता चलेगा, देखिए आप इसको, ये सारा हाथ से बना हुआ है, ये बकायदा पूरी फिनिशिंग करके भेजते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा थ्रेड बिल्कुल भी लटका नहीं हुआ है, ये पूरा कटिंग किया हुआ है, आप यहाँ पे जाके देख इसमें देख सकते हो, ये पूरा हाथ से, ये जो नॉट जैसे हम लोग कपड़े में स्टिचिंग करते हैं ना उस टाइप से, ये पूरा
एक कुर्ता मुझे लगता है एक हफ्ते में 10 दिन में तो बनता ही होगा कम से कम, ठीक है, जो बनाते हैं उसको। तो ये कुर्ता है, इसमें पीछे बैक साइड पे एक वही सेम बूटी बनी हुई है बड़ी सी, ठीक है। तो इसकी प्राइस रेंज मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मुझे एक तो याद ऊपर नहीं से जो है। सिंगल साम आप ये समझ लो 1200 से लेके 3000 के बीच में, अगर सेट है तो वो 3000 के आसपास का होगा, और जो कुर्ती है वो 1500 के आसपास की। तो आप हर टाइप की वैरायटी है तो आप चाहते मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको इनमें से कोई सा भी अच्छा लग रहा है, जिसकी पिक्चर्स मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी, अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है तो आप उनको स्क्रीनशॉट जाके भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे भी है वो। और उसके अलावा अगर आपको कोई चाहिए तो आप उनको साइज़ वगैरह बता दे सकते हो। 38 से शुरू होता है, 46 तक इनके साइजेस जाते हैं, ठीक है। और ये मल कॉट, ये मुडाल फैब्रिक है, ठीक है। इसमें मैंने ये वाली शॉर्ट कुर्ती मंगाई थी, ये 36 लेंथ तक की, नी लेंथ तक जाती है। आप इसको जीन्स के साथ भी कैरी कर सकते हो, और आप इसको खाली अगर आप चाहो तो सलवार के साथ भी पहन सकते हो, प्लाजो के साथ भी पहन सकते हो, डिपेंड करता है ये आपके चॉइस। ये पीच कलर का आप देख सकते हो कितना सुंदर कलर है, ठीक है। तो इनमें से कुछ तो बिल्कुल नए मंगाए हुए, इनका फोटोशूट मैंने नहीं करा अभी तक, मुझे करना था लेकिन अभी टाइम नहीं मिला इसलिए नहीं किया मैंने, ठीक है। तो ये है, और ये इसमें से ये वाली इस टाइप की एक बूटी बनी हुई है, बाकी इस पर पूरी पूरी कुर्ती पे बूटी वर्क हो रखा है, और यहाँ पे वही चाक दामन पे हो रखा है, ठीक है। और इसमें बैक साइड यहाँ पे इसमें भी वही सेम वर्क हो रहा है जो आगे हो रखा है दाम चाक पे, ठीक है। और यहाँ पे एक सिंगल बूटी बनी हुई है, और ये मेरा जो है वो 38 साइज का है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, इसलिए देखो कलर आप देख रहे हो कलर कितना सुंदर है ये। तो ये मुडाल फैब्रिक है, और वही सेम इसका नेक रहता है, ये छोटा सा नेक करके उसमें बीच में कटिंग कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये आई थिंक मेरी वन ऑफ फेवरेट है, वैसे तो मेरी सारी फेवरेट है क्योंकि इनके वर्क जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का वर्क रहता है, इसलिए मुझे ये फेवरेट है मेरी चिकनकारी कुर्ता, ठीक है। ये और ये सेम ही ऑलमोस्ट कलर आई थिंक, बट फ़र्क ये है कि ये वो लॉन्ग वो शॉर्ट थी, ये लॉन्ग है, ठीक है। तो ये है, ये भी कुछ इस टाइप की नेक है इसका, आप ये आगे से देख सकते हो, ठीक है। इसमें अच्छा खासा वर्क हो रखा है, बिल्कुल बहुत सुंदर वर्क हो रखा है, ठीक है। ये बूटियाँ हैं, ये कुछ इस टाइप की है, एक सिंगल बूटी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, देखो, ठीक है। ये बूटी है, उसमें फिर नीचे आके पैनल वर्क ये वाला हो रखा है, उसके अलावा यहाँ पे ये और सेम वर्क पीछे भी हो रखा है, ठीक है, दोनों साइड की चाक पे। और यहाँ आगे की साइड पे यहाँ पे आपको वर्क मिल जाएगा इसमें ये वाला, ठीक है। बैक की साइड पे आपको यहाँ पे कोई एक सिंगल बूटी मिलेगी और चाक पे से वर्क मिलेगा, दामन पे इसमें नहीं है। और वही बूटी जो सब जगह है वो यहाँ पे हो रखी है, उसके अलावा यहाँ पे एक वही वाली बूटी का आपको इसका वर्क मिल जाएगा। तो ये बहुत सुंदर सी है, मैं कहीं घूमने जाऊँगी तो डेफिनेटली इनको पहनूंगी, इसलिए मैंने अभी से मंगा के रख ली थी, मुझे घूमने जाना था तो इस वजह से। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से एक मैंने अभी रक्षाबंधन पर पहनी थी, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही थी उसे, तो मुझे लगा कि ये वाली जो है कुर्तियाँ पहनी जा सकती है, मुडाल फैब्रिक है, और अभी फेस्टिवल भी आने वाले हैं। तो अगर आप में से किसी को भी कोई सा भी पैटर्न अच्छा लग रहा है तो आप उनको जाके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, या उनके पेज को जाके चेक कर लीजिएगा, जो भी आपको चाहिए है उनसे पूछ लीजिएगा, उसमें साइज़ अवेलेबल होगा तो बता देंगे। और साइज़ नापने का तरीका ये है कि ये जो अंडर आर्म्स होते हैं ना, आप इनसे यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसे नापोगे तो 38 से शुरुआत होती है नॉर्मली, ठीक है, और 46 का साइज़ आता है। हो सकता है उनके पास बड़े साइजेस भी हों, तो आप जाके उनसे पूछ सकते हो कि आपके पास है या नहीं, ठीक है। एक ये है, इसमें पीछे पूरे वर्क हो रहा है, और ये सारी इतना सुंदर वर्क होने के बाद भी इतनी आसानी से आप ऐसे ऐसे इनको पकड़ सकते हो, ठीक है। आस पास में घर की आवाज़ आती है तो इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर कर देना, ठीक है। इसके अलावा जो उन्होंने मुझे क्लास में भेजा था, सरारा सेट है ये, तो वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये उन्होंने मुझे क्लास में भेजा था, इसका भी वर्क सुंदर है काफ़ी ज़्यादा सारा। ये आई थिंक कुछ ना 3D वर्क वाले भी हैं इनमें से, जैसे वो फर्स्ट वाला दिखाया था वो 3D वर्क का था, ये भी 3D वर्क में ही है। इसका जो है ये फ्रंट का इसमें वर्क, इसमें एक्चुअली में सारे जो कुर्ते हैं ना इन सब में बहुत सारे कलर्स हैं, तो जाके आपको चेक करने पड़ेंगे कि इनके पास कौन कौन से कलर्स आपको पसंद आ रहे हैं, आपको कौन सा कलर चाहिए, तो वो आपको
बता देंगे ठीक है कि इसमें ये वाला कलर अवेलेबल है या नहीं है या जो भी है, क्योंकि मेरे को तो जो अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है थोड़े से ब्राइट हों वो मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं नॉर्मली ब्राइट कलर ही लेना पसंद करती हूँ। जैसे ये वाला है तो ये जैसे आपको दिख रहा है ना हल्का सा, ये भी मल कॉटन में ही है, ये भी शरारा वाला सेट है, तो ये नी लेंथ तक आता है, 36 साइज़ है इसका ठीक है। ये फ्रंट पे पूरा इस पर ऐसे पैनल वर्क हो रहा है ठीक है, नेक पे पूरा फुल वर्क हो रहा है, यहाँ पे ये इसमें बूटियाँ, ये मोटी मोटी सी बूटियाँ बनी हुई हैं सब जगह, जो कि ऑब्वियस बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। और ये इसमें पूरा चाक दामन दोनों पे इस टाइप का वर्क हो रहा है, उसके अलावा इसमें बैक साइड पे भी यही चाक में वर्क हो रहा है, दामन पे वर्क नहीं है उसमें। और इसमें पीछे एक बूटा, वही सेम बूटा सब जगह दे रखा होता है। उसके अलावा इनके जो ये जो इसकी स्लीव्स डिफरेंट है बट ठीक है, इसकी स्लीव्स कुछ इस टाइप की है, ये है एक तो इसमें बूटी बनी हुई है, उसके अलावा ये बलून टाइप की ये है ए लाइन में, यहाँ पे अलग है और ये इस टाइप का वर्क हो रहा है ठीक है। तो ये बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो ये 3000 के आसपास का ही होगा ये, लेकिन मुझे गुलाब में मिला था। तो अगर आपको चाहिए है, इसमें 3-4 कलर है, ग्रीन है, एक पिंक है, एक पीस सा कुछ है, तो वो काफ़ी सारे कलर हैं इसमें, तो आप जाके उनसे पूछ सकते हो। और इसका शरारा भी दिखाई दे रहा हूँ मैं, शरारा एक्चुअली मैं इनके पास प्लाजो वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, अगर आपको इनसे कोई मिक्स एंड मैच करना है आई थिंक, तो आप ये फुल्ली इलास्टिकेटेड है। इसके अलावा ये जाके आप चेक कर सकते हो, ये शरारा है, तो शरारा इस टाइप का है ठीक है, इसमें फुल आगे पीछे दोनों साइड पे वर्क हो रहा है, तो आप इसको कैसे भी पहन सकते हो आपकी इच्छा है ठीक है। इसके वर्क की क्वालिटी बहुत ज़्यादा सुंदर है, और अभी तक मैंने जितने भी इंस्टाग्राम स्टोर से कुर्तियाँ मंगवाई हूँ सब में मुझे लगता है ये आई थिंक बेस्ट है। तो अगर आपको इनकी क्वालिटी अच्छी है, वर्क क्वालिटी अच्छी, सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं, तो आप इनसे जाके कन्फर्म करके शेड्स वगैरह जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो ठीक है। ये है लास्ट एक ये वाला है, जो आजकल इनके यहाँ पे मसलिन में बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत सारे कलर्स है, रेड है, पीच है, और डबल टोन वाला भी काफ़ी सारे हैं, तो ये मसलिन में है, ये जो मैंने पहना हुआ है, आप इसकी वर्क क्वालिटी देख सकते हो ठीक है। ये है इसकी वर्क क्वालिटी, और इसमें फुल में वर्क हो रखा है, इसका मैं वीडियो वैसे डाल दूँगी तो आप चेक कर लेना, जिसका भी ट्रायल हॉल तो मैं सबकी डाल ही दूँगी जो भी है। तो यहाँ पर इसमें फुल वर्क हो रहा है, बहुत सारी जैसे आपने सेलिब्रिटीज को पहने हुए देखा है तो वैसा ही है, ये बहुत लाइट वेटेड है, ब्लैक कलर का पहना हुआ है मैंने, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और आप जैसे मैंने इसके साथ बैंगल पहन रखे हैं, इस टाइप की बैंगल पहन सकती हूँ, क्योंकि फेस्टिवल आ रहे हैं तो इस टाइम पे सब चाहते हैं हल्का क्वालिटी का कपड़ा हो, जिससे कि गर्मी कम लगे लेकिन और सुंदर भी लगे सेम टाइम। तो जैसे मैंने इसके साथ सिंपल से ये बड़े बड़े से इयररिंग्स पहने हुए हैं, तो आप भी इस टाइप से कुछ स्टाइल कर सकते हो। इसका ट्रायल हॉल मैं यहाँ पे डाल दूँगी, तो आप जाके चेक कर लेना एक बार था। और सेकेंड ये सबसे लास्ट वाला है, जो कि ये मैंने अभी रक्षाबंधन पर पहना था, और इसको पहन के मुझे मज़ा आ गया था। क्यों, उसका रीज़न है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, और इसको पहन के मुझे फील नहीं हो रहा था कि मैंने कुछ ऐसा हैवी सा पहना हुआ है, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहा था। इसका भी पिक्चर मैं यहाँ पर डाल दूँगी ठीक है। तो एक ये है, ये बड़ा सुंदर सा बेबी पिंक पे डार्क पिंक और वाइट कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं इसमें, ये भी मोडाल फैब्रिक है, और ये प्रिंटेड मोडाल है, क्योंकि वो जो मैंने दिखाए थे आपको वो प्रिंटेड नहीं थे, वो सिंपल प्लेन मोडाल थे, और वो नॉन ट्रांसफरेबल थे, जिसको आप पहन सकते हो ठीक है। आपको उसमें इनर डालने की ज़रूरत नहीं है इन उन वाले में, और आई थिंक इसमें भी सेम है ये, इसमें आपको इनर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। जैसे कि मैंने आई थिंक मैंने इस प्रैगनेंट डाल ली थी इसमें, मैंने नहीं पहना था इसमें ठीक है। तो इसमें वही ऊपर से नेक है, और वर्क की क्वालिटी आप सबकी देख लो, वर्क क्वालिटी तो ऑसम है ठीक है। ये है, उसके अलावा ये इसमें छोटी छोटी सी बूटियाँ बनी हुई हैं डिसेंट सी, और उसके अलावा नीचे पैनल सबका हैवी हो जाता है जाते जाते, तो ये है ठीक है। इसमें बहुत सुंदर सी बूटियाँ बनी हैं, आप देख लो इसे, ये 3D टाइप का वर्क का पैक दे रहे हैं। उसके अलावा इसका जो स्लीव्स है वो कुछ इस टाइप के हैं, इसकी सिंपल हैं, 3/4 स्लीव, सबकी 3/4 स्लीव्स हैं ठीक है। उसका बैक पे सिर्फ एक बूटी बनी हुई है, और ये है ठीक है। और इसकी जो चाक दामन पे वही है, पीछे की साइड पे सिर्फ चाक पे वर्क हो रहा है, और पीछे एक बूटा बना हुआ है सिंपल का ठीक है। और ये इतना सॉफ्ट है ठीक है, ये इतना सॉफ्ट है कि जब आप इसे पहनोगे तो आपको फील नहीं होगा कि आपने कुछ
अच्छा, मतलब अच्छा फील होगा कि कुछ अच्छा पहना हुआ है, बट बहुत लाइट वेटेड फैब्रिक है, ठीक है। उसके अलावा ये है एक, फुल्ली इलास्टिकेटेड है, ठीक है, और ना नॉन ट्रांसेबल है। आप एक्चुअली में सेट जब लेते हैं ना, तो सेट में फ़ायदा क्या रहता है कि अगर आपको खाली कुर्ती पहननी है अपने वाइट प्लाजो के साथ, तो आप उठा के सीधे पहन लिया, ठीक है। और अगर आपको सेट पहनने का मन है तो सेट भी पहन सकते हो। कुर्ती आपको जीन्स के साथ पहननी है तो जीन्स के साथ पहन लो। अगर आपको थोड़ा प्लाजो या फ्लेयर वाले जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो आप उनके साथ भी पहन सकते हो। लेगिंग के साथ पहनना है तो पहन लो। तो बहुत सारे तरीके से आप इसको स्टाइल कर सकते हो अगर आप सेट ले रहे हो तो, ठीक है। और इस पर नीचे आगे पीछे जैसे यहाँ पे वर्क हो रखा है, और इसके बैक साइड पे यहाँ पे भी उतना ही वर्क हो रखा है। और ये प्लाजो है, तो इस पर स्ट्रेट टाइप का पैंट है, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर और कंफर्टेबल है पहनने के लिए गर्मी के अकॉर्डिंग। तो आप जाके चेकआउट कर सकते। ये था मेरा चिकनकारी कुर्ता हॉल। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक शेयर एंड सब कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि मेरे ये पर्सनल फेवरेट है। मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोर का लिंक भी दे दूँगी और सारी चीज़ें दे दूँगी। और मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बता दूँ कि ये इनके यहाँ पे जो बहुत रीज़नेबल मिल रहे हैं। अगर मैंने और भी लोगों के हॉल्स देखे हैं जो लखनऊ जाके वहाँ से खरीद के लाते हैं कुर्ते वगैरह, कुर्ता सेट वगैरह, तो भी वो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये से कम के नहीं लाते। प्राइस मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे याद नहीं है। एक रीज़न वो है, लेकिन मुझे याद है कि 1500 से 3000 के आसपास के ही ये सारा, मतलब जो भी है सिंगल कुर्ती है तो उसका अलग है और उनका अलग है। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे मेरा हॉल तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आई थिंक मेरे ख्याल से आप इनको ट्राई ज़रूर करें कि ये कैसे इनके यहाँ पे जो चिकनकारी कुर्ते मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे देखा है मीशो वगैरह के आजकल लोग चिकनकारी कुर्ते हॉल करे पड़े हैं, तो जबकि वो चिकनकारी होते भी नहीं, वो मशीन वर्क होते हैं। ये जो वर्क मैं आपको दिखाया है, जो भी इतना जैसे ये वाला था मैंने आपको जो दिखाया था, ये इतना मोटा वर्क है, लेकिन ये सारा हाथ से किया हुआ, किसी ने इसको पूरा हाथ से बकायदा घंटों के हिसाब से बैठ के बनाया होगा। तो वो चिकनकारी नहीं है जो वो वहाँ पे सेल कर रहे हैं, या कोई अदर जो बड़ी ब्रांड्स होते हैं ना जो चिकनकारी कह के ये सेल कर रही हैं अपने कुर्तों को, ये वो चिकनकारी नहीं है। ये ओरिजिनल चिकनकारी जो सीधे आपको लखनऊ से ही मिलेगा। तो इनका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो भी है मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूँगी। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये। तो ऐसी फेस्टिवल के लिए शॉपिंग करें जो आपको अच्छा लगे, रीजनेबल भी हो, मज़ा भी आए पहन के लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और इनको अपने साथ रखना बहुत ईजी है, क्योंकि आपको इसको सिर्फ हैंड वॉश करना होता है, सिंपल। तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, जहाँ हैं स्वस्थ रहें, खुश रहें, और बाय बाय।